माने निकाल लिया, अपनी कुटिया पर रख लिया। बनात जब घर पर पहुंची है तो लड़की है ही नहीं, तो भानुमंत ने शर्म के कारण, लोक लाज के कारण, भानुमंत की जो छोटी बेटी थी सुमित्रा, तो दशरथ का विवाह सुमित्रा के साथ में कर दिया। बारात जब लौट करके आ रही थी, रास्ता में अकस्मात कौशल्या से भी भेंट हो गई, तो दशरथ कौशल्या से भी शादी करने के बाद अयोध्या वापस आए हैं। तो रानियां ये हो गई, तीसरी रानी थी केकई। ये केकई जो थी कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी, और ये केकई पूर्व जन्म में कौन थी? ये केकई जो थी पूर्व जन्म में एक वेच्छु नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी, तब इसका नाम था कल्हा। कल्हा जो अपने पति से बात बात पर कलहे उलझन कलेश किया करती थी, दुखी होकर के ब्राह्मण ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। सौतिया दाह के कारण ये कल्हा जय रखा करके मर गई। तीन चार जन्म तक अधोगति में भटकती रही है, फिर इसका जन्म हुआ, तब नाम पड़ा है केकई। अपने पति से कलहे उलझन कलेश किया करती थी। हमारे बड़े भ्राता जी गीत गाया करते थे, उन्होंने गाया था कतिरिया सात जन्म दुख हर पावे